जय हिंद साथियों, भारतीय सेना की तरफ से त्रिपुरा और अदर एक स्टेट के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें त्रिपुरा के सभी कैंडिडेट और इंडिया के और एक स्टेट का भर्ती एक साथ होने वाला है। तो ये कब तक का चलेगा और कहाँ पे होगा, आपको कब तक मतलब कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कैसे करना, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाने वाला। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं अभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हो या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट नेट, ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हो। मैं यहाँ से आपको सीधा दिखाऊंगा कब से कब तक हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ तो ये त्रिपुरा और आधा इंडिया का और एक स्टेट, दो स्टेट की भर्ती है। तो इसके लिए देखने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आ जाइए और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं आपको जैसे देख रहा हूँ, ठीक है। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको देखा रहा हो ये कहाँ पर भर्ती हो रही है, ठीक है। तो त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा स्टेट में सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से त्रिपुरा की भर्ती में बात कर रही हो और अदर एक स्टेट है। इसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में अभी देखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा जूम करके को देखाता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, जैसा मैंने त्रिपुरा लेके चार्ज किया था, चार्ज किया, इसके अंदर देख लीजिए त्रिपुरा, त्रिपुरा की यहाँ पे देख लीजिए, त्रिपुरा के बारे में जो वो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं सब के बारे में यहाँ पे दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक एक रीड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, त्रिपुरा और अदर एक स्टेट हो जो दो मिला के यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, मैंने पहले आपको बताया। जो मैं त्रिपुरा के बारे में बताता हूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ पे धलाई, नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, खोआई, सिपाही जला, गुमती, ऊनकोटी, ये सारे त्रिपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जो एक अदर स्टेट है उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट आती है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट की है, ठीक है। और त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बात है, और जो पोस्ट कैटेगरी आपको रखा है वो पोस्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जो कैटेगरी नेम है आपको जो पोस्ट रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, एस एन ए एस का मतलब होता है आपका सोल्जर, एन ए का मतलब होता है आपका नर्सिंग असिस्टेंट, मतलब सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, और STD, ठीक है, STD। और STD का क्या होता है ये भी आपको दिखाऊंगा, STD का पोस्ट क्या होता है। और ये जो आपका रैली होगा यहाँ पे देख लीजिए, वेन्यू ऑफ रैली, आपका जो रैली होगा जहाँ पर आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, ये होगा आपका भगत स्टेडियम, रंगा पहाड़, दिमापुर, नागालैंड। ये नागालैंड के अंदर ये स्टेडियम आते हैं, नागालैंड के अंदर जाना होगा आपको, अगर इस भर्ती को आप देख रहे हैं तो इसके लिए वहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो अप्लाई करना होगा कब से कब तक, यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट आपका शुरू हो चुका है 9/1/2021, मतलब इसी महीना में शुरू हो चुका है, और एंड जो लास्ट डेट रखा है 22/2/2021, ठीक है सर, 22/2/2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपका रैली जो होने वाली है यहाँ पे देख लीजिए, रैली स्टार्ट रखा है 10/3/2021, मतलब मार्च की 10 तारीख में आपका रैली शुरू हो जाएगा, और जो रैली एंड होगा 20/3/2021, ठीक है। 10/3/2021 से लेके 20/3/2021 के बीच में आपका रैली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिपुरा कैंडिडेट के लिए बहुत ही एक अच्छा गुड न्यूज़ है, जो इस बार त्रिपुरा भर्ती में पास नहीं हो पाया वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया एस टी डी का कौन सा पोस्ट होता है ये इस आपको देखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने बताया एस एन ए का मतलब होता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, तो मैंने बात है आपको सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल ग्रुप्स का होता है। और थी एक एस टी डी का मतलब कौन पोस्ट होता है आपको देखाता हूँ, एस टी डी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एस टी डी का पोस्ट होता है क्या होता है, एस टी डी का पोस्ट होता है आपका NABET, ये भी एक मेडिकल टीम के अंदर दर्ज होता है, एस टी डी, ये होता है NABET, ये पोस्ट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।